चलो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कहां तक किया था? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने जो चीजें बताई, पहला टर्म देख ले। सबसे पहले तो मैंने अभी तक ऑनलाइन के अपने कितने हार्डली 3 लेक्चर हुए थे, एक लेक्चर तो ऐसे नहीं हो पाया। तो सबसे पहले मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये एक एनर्जी होती है जो बॉडी के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। ठीक है, और ये किसकी वजह से आती है? बिकॉज ऑफ द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। पोजीशन मतलब जैसे बॉल है यहाँ पे और यहाँ पे, अब ऊपर कर दिया तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, एम जी एच। अच्छा जरा ये पॉइंट देखो, यहाँ पे मैंने जीरो माना, तो जैसे जीरो माना मैं क्या कर रहा हूं, उसको रेफरेंस मान रहा हूं, और फिर मैंने यहां रेफरेंस मान के ऊपर लेके गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी कि घटी, और इस रेफरेंस से नीचे लेके गया तो घटी। ठीक है, ये वाले सवाल कराए थे मैंने। अच्छा, हमेशा एक चीज याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस के बिहाफ पे डिफाइन होता है। ठीक है, आपके दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमेशा सेम ही होगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कौन से फोर्सेस के लिए डिफाइंड है? कंजर्वेटिव कौन सा फोर्स होता है? जिसपे वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सब बताया था। फिर हमने ये पॉइंट लिख लिया था क्या, स्प्रिंग का काइनेटिक है, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फाइनल का स्क्वायर, और माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है, एक्स इनिशियल क्या मानते हैं, जीरो। ठीक है, तो ये बता दिया था हमने। और फिर हमने एक वर्क एनर्जी थ्योरम जो किया था वो देख लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम ने क्या स्टेटमेंट बोला, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब कौन कौन से फोर्सेस होंगे, चार फोर्सेस, कौन से, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल एंड सूडो। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय सूडो किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये याद आ रहा है? अच्छा, फिर हमने किसी चीज को जीरो किया था, किसको, सूडो को, तो फिर हमारी इक्वेशन क्या बन गई थी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक। यहां तक करा दिया था मैंने, इसका प्रूफ भी पता है, सिंपल सा है, सारे फोर्सेस का सम होना चाहिए एफ नेट, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को लिख लिया था वी डीवी बाय डीएक्स, एक्स को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे कंटिन्यू करो पक्का, अभी एक ही बोर्ड में अपने को काम चलाना पड़ेगा कुछ दिन, वैक्सीन तो हो ही सभी को और ओमिक्रॉन भी होके निकल गया सभी को, कितना निकल गया, 3-4 तुरंत, मतलब 3 दिन नहीं लगते हो गया, बढ़िया रेस्ट करो, खाओ पियो मजे करो, 3 दिन बाद में मस्त है, अब तो अपने को कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, वापस हो गया, वापस हो सकता है, नहीं हो सकता, एक बार हो गया बस, इतनी इम्यूनिटी तो आई नहीं, और फिर चावल खाते रहो ठीक है, या काढ़ा बनाते पीते रहो, 3 दिन मैक्स टू मैक्स 3 या 4 दिन में नॉर्मल हो रहा है मेजोरिटी बच्चों को, 2 से 3 दिन में हो गया क्या, ठीक बच्चा हो गया जल्दी ठीक हो गया, बड़े लोग तो जल्दी अनुज नहीं है ना, अनुज ही कोविड है, वो भी 1-2 दिन में आई जाए, कहाँ जाए। चलो अब देखो एकदम सिंपल सिंपल सी बातें करते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग क्या लिखते थे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या कितना को याद है, ये किया था मैंने, तो आज की डेट डालो जरा ये लिखो,
आज की डेट डाल के ये पॉइंट्स लिखो. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू. अरे एकदम सिंपल है, ये देखो यहां पे और यहां पे एच हाइट का डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी यहां और यहां पे. पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए यहां पे कुछ भी थी mgh और ये हाइट है h. बताओ इधर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अगर यहां पे mgh 2mgh. नहीं जवाब था. अरे ये जीरो है तो ये mgh हो गई, ये mgh है तो ये 2mgh. ठीक है, तो गैप कितना हुआ है फाइनल माइनस इनिशियल mgh में mgh ऐड करो 2mgh होगा. अच्छा अब ये किसके अगेंस्ट वर्क हुआ, ग्रेविटी. तो ग्रेविटी ने वर्क कितना किया माइनस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ mgh, उसका नेगेटिव. तो ये किसने काम किया ग्रेविटी. अरे ग्रेविटी नीचे लग रहा है आप ऊपर ले गए. ठीक है ये याद है ना फॉर्मूला. वेरी गुड शाबाश. तो अब नेक्स्ट इक्वेशन, अपनी इक्वेशन क्या बोलती है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के. ठीक है अच्छा व्हाट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस डेल्टा के. देखो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल ये कितना होगा डेल्टा के प्लस डेल्टा. समझ आ रहेगा. तो कंजर्वेटिव फोर्स जितना काम करेगा, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव जितना काम करेगा और एक्सटर्नल जितना काम करेगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है जो भी आपके फ्रिक्शन फोर्स ने या किसी ने हाथ लगाया उसने वर्क किया वो सारा का सारा कहां रिफ्लेक्ट होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. यश आ गए क्या, यश चौधरी ठीक हो बेटा ना. ओके इतना लिखा सर ने. अब ये देखो ये क्या है, क्या हो गया. अब हमने जो इक्वेशन में चार टर्म्स थे लेफ्ट की तरफ चार टर्म्स थे उसको अपने कितने में कन्वर्ट कर दिए दो में, और राइट की तरफ एक था कितना कन्वर्ट हो गया दो में. तो देखो किसी भी बॉडी का वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के. डेल्टा के को मैं क्या लिख सकता हूं, के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस इसको क्या लिखू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. अच्छा अब ये देखो ये एफ एफ को साथ जोड़ लो, के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल.
अब ये क्या होता है, दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइनली टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस या सीधा ये, ठीक है। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। एंड डेल्टा ई क्या है, अब मैं लिखा दूंगा इस पॉइंट को, उसमें नीचे पॉइंट लिख लो, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स टोटल मैकेनिकल, इज कॉल्ड इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे, क्या होगा उसका मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। दिस इज ई से डिनोट किया है, किसी भी इंस्टेंट पे सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एंड मैकेनिकल एनर्जी इज, सॉरी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी, क्लियर है इतना। अच्छा अब सबसे बढ़िया केस, स्पेशल केस देखो, एक स्पेशल केस, स्पेशल केस। अच्छा ये बताओ इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, नॉन कंजर्वेटिव यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगना चाहिए, जैसे कि फ्रिक्शन, विस्कस, एयर ड्रैग, और यहां पे कौन है, एक्सटर्नल। जैसे अब ये ब्लॉक है, अब मैं इसको, ये एक्सटर्नल कोई मेरा हाथ लगा हुआ है जो इसको ऊपर नीचे कर रहा है, अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो और किसी बॉडी पे फ्रिक्शन या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं हो, फोर्सेस जीरो है, तो स्पेशल केस करके लिखेंगे। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस कि इफ एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो, तो बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना होगा, जीरो, फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन जीरो, नॉन कंजर्वेटिव के थ्रू वर्क डन जीरो। तो ऐसे बोलो पहले देख लो जरा, तो अपने जो इक्वेशन थी वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस इनिशियल हो गया क्या, तो ये दोनों ही क्या है, जीरो जीरो है, तो ये क्या हुआ, ई फाइनल इनिशियल, तो इसको यहां पे कर दो, जो ई इनिशियल है वही क्या है, ई फाइनल,
यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल थी, वही क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज थ्योरम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। दिस इज थ्योरम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, थ्योरम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, थ्योरम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन।
आया जरा प्रॉब्लम को संभाल के देखो देखो एक सेकंड देख लो प्रॉब्लम को दो तीन मेथड बताता हूँ मैंने इसको ड्रॉप कर दिया ठीक है ड्रॉप करा तो क्या लगा एमजी इस पे क्या फ्रिक्शन लगी है क्या नहीं क्या एक्सटर्नल किसी हाथ लगा रखा है नहीं ठीक है मैं सूडो फोर्स लग रहा है तो सारे फोर्सेस क्या है जीरो तो फिर मैं लिखूंगा क्या ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स अच्छा अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो इनिशियली ए पे था और फिर फाइनली किधर आ जाएगा बी पे आ जाएगा अच्छा इनिशियली इसके स्पीड कितना था जीरो अच्छा इसकी सॉरी ये तो इसकी स्पीड थी जीरो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए निकाल लेते हैं देखिए एकदम सिंपल सा है पहले एक बार देख लो बेटा पहले एट पॉइंट ए व्हाट इज स्पीड कितनी है जीरो तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो गई अच्छा उसकी हाइट कितनी है 20 मीटर तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एम जी एच तो कितनी हुई है 10 इंटू 20 दैट इज प्लस होगी कि नेगेटिव अगर यहां पे मैंने कितना मान रखा हो जीरो ठीक है तो एट पॉइंट बी देखो एट पॉइंट बी स्पीड क्या है निकालना है काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर ठीक है अच्छा पोटेंशियल एनर्जी जीरो जीरो मानने में अपनी भलाई है क्योंकि इसको ग्राउंड में दो तो आप देखो अपने को क्या लगा रहे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी का सम प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम एट ए शुड बी काइनेटिक एनर्जी का सम एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम एट बी तो काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना है इनिशियल कितना है जीरो समझ में आ रहा है क्या व्हाट इज ए ए इज द इनिशियल पॉइंट ओके ए जीरो ये कितनी है एम जी एच 400 है और ये बी कितनी है इतने निकालना है हाफ एम वी स्क्वायर और ये कितनी है जीरो जरा निकालो जरा बी की वैल्यू कितनी है 20 आनी चाहिए ठीक है क्या सर मैं इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करूं और आपका मेथड है अरे काइनेटिक्स में काइनेटिक्स में सेम ही है क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से है वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने वेलोसिटी और इन सब का डेफिनेशन यूज किया हमने क्या किया वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है वो कितना होता है v dv / dx ये डेफिनेशन यूज करके हम लोग इस चीज को लेके आए ठीक है जिसका हो गया उसमें पॉइंट लिख लो वी कैन ऑल्सो यूज काइनेमेटिक्स टू सॉल्व दिस काइनेमेटिक्स लगाओ जरा इनिशियल स्पीड जीरो माना वी कैन ऑल्सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग काइनेमेटिक्स तो मेथड टू डालिए काइनेमेटिक्स से सॉल्व करके दिखा दो ठीक है आगे एक और प्रॉब्लम लिखते हैं अच्छा इसमें लिखा कि नहीं इसको सॉल्व किया ये 400 था ये हाफ
मास इसका 2 और ये v स्क्वायर, 2 ने 2 को मार दिया, v स्क्वायर की वैल्यू 400, v की वैल्यू कितनी है यहां से 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, सेम वहां से भी यही आता। अच्छा अब लिखो एक और प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है, अ स्प्रिंग, लिखो अ स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट, अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 800, अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 800 800 न्यूटन पर मीटर इज compressed by is compressed by 0.1 meters is compressed by 0.1 meters and released, ठीक है, तो इसको हमने रिलीज किया। फिर पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक when it crosses its natural position, find its speed when it crosses its natural position, find its speed when it crosses its natural position, अरे ये देख लो दो पॉइंट्स हैं आपके पास में, इसमें बताओ कौन सा फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स, कंप्रेस करके आपने छोड़ दिया तो मतलब आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, फ्रिक्शन है क्या, नहीं है, तो स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव, क्या उसके लिए कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, यस, तो क्या मैं ये बोल दूं ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहा है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहा है तो क्या बोलेंगे बेटा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल, तो एनर्जी एट पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट ए, और मैकेनिकल एनर्जी में कौन सी एनर्जी देखना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, बस यही देखना है। अच्छा ये बताओ अपन ने कितना उसको कंप्रेस करके रिलीज किया है, 0.1, तो जब वो बी पे था तो कंप्रेस है कि नॉर्मल लेंथ में, और ए पे
नॉर्मल लेंथ पे है, तो अपन बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। यहां पे मैंने क्या किया उसको रिलीज, तो यहां पे स्पीड कितनी होगी, यहां से रिलीज किया है तो स्पीड यहां पे जीरो और यहां पे स्पीड निकाली निकालने बोला है। अच्छा ये बताओ अपन लोग पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का उसके नेचुरल लेंथ पे कितना मानते हैं, जीरो। स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना मानते हैं, अरे कितना पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग पे कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर ना, तो जब इनिशियल होता है नेचुरल लेंथ है तब इलॉन्गेशन कितना है जीरो, तो उस समय पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी माननी है जीरो, तो स्प्रिंग में उसकी नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है जीरो, तो बी पे कितना है हाफ के एक्स बी बोल दूं क्या एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ एम जीरो का होल स्क्वायर, ये कितना है हाफ के एक्स ए का होल स्क्वायर और ये कितना है हाफ एम वी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जरा देखो एक्स ए में कितना है ये जीरो, यहां पे कौन सा टर्म है ये जीरो, अब जरा सॉल्व करके निकालो बी की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स भी क्या है इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन कहां से मेजर करते हैं नेचुरल लेंथ,
इसमें प्रॉब्लम्स बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। एक्सरसाइज पर बात नहीं ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, माइनस योर
माइनस एस, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ में भी क्या होगा, वी स्क्वायर एस यू स्क्वायर प्लस टू एस, यहाँ नीचे है कि ऊपर है, नीचे, तो दिस इज माइनस यू का होल स्क्वायर, माइनस यू का होल स्क्वायर कितना आएगा, प्लस यू ही आएगा ना, प्लस टू माइनस जी, और ये माइनस माइनस एच, ठीक है। अच्छा अब उसके अंदर ए और बी में आंसर तो सेम ही आना चाहिए, और द स्टोन विल हिट द ग्राउंड विद मैक्सिमम स्पीड इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड सेम है, हॉरिजॉन्टली, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करता हूं ना बेटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, स्पीड कितनी v, तो ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड में चेंज आएगा क्या इसके, नहीं, वर्टिकल में चेंज आएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल तो हमेशा u, ux i cap ही रहेगा, जो भी आपने v या u लिया था, बट ये जो नीचे वाली है ये माइनस जी टी हो जाएगा, ठीक है, और माइनस जी टी जे कैप। अब t कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा नीचे आने, h है इधर अंडर रूट 2h / g, तो ये ux i cap माइनस g अंडर रूट 2h / g, तो यहां से कितना है ux i cap माइनस अंडर रूट 2g j cap, ठीक है। तो अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कितना है, इसका स्क्वायर ux का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 2g h, अरे सेम ही तो है दोनों, देखो u स्क्वायर प्लस 2g h तो है ये भी, तो आंसर क्या आएगा d। अच्छा साहब मार्क कर लो, नहीं क्या होता है आंसर क्या आना है, सभी में सेम आना, ठीक। अब ये कौन सा नंबर का था, 26 नंबर का, तो आप अब 31 नंबर का प्रॉब्लम देख, बात कोई भी नहीं करेंगे भाई, 31 नेगेटिव ऑफ द बाउंडेड बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स दे दिया है, सेम ही है मतलब पोटेंशियल एनर्जी आ गया। चलिए ठीक है, अब इसके भी आप धीरे धीरे सारे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डालो, नेक्स्ट केस है, पहला केस क्या था, वर्क डन इज ओनली बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेक्स्ट में डालो वर्क इज डन सेकेंड डालो वर्क इज डन ओनली बाय वर्क इज डन only by non-conservative force, work is done only by non-conservative force, अब उसमें लिख लो there is no conservative force, there is no conservative, ये दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ conservative forces ही लगे, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज लगे, कंजर्वेटिव तो बता ही दिया था मैंने, एक एक प्रॉब्लम की तरह करते हैं इसको, लिखो
मास, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 meter per second, मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 meter per second initially on a smooth surface enters a rough patch enters a rough patch at point A, enters a rough patch at point A. Find the distance covered. Find the distance covered by. Find the distance covered by the block before stopping. Find the distance covered by the block before stopping. Before stopping. After entering point A, point A को enter होने के बाद में ये देखो यहाँ पे कोई ग्रेविटी स्प्रिंग फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, तो ये जैसे ही एंटर करेगा कौन सा फोर्स लगेगा इधर? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? म्यू इनटू एन, वो कितनी होगी? म्यू इनटू एम जी। और ये क्या करेगा? अपोज करेगा। तो जो भी है अपना थ्योरम क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितना होगा? अब कौन वर्क कर रहा है? नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव है क्या? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कितना हो जाएगा? जीरो। एक्सटर्नल है क्या? एक्सटर्नल भी जीरो है और सूडो की बात ही नहीं कर रहा। तो ये कितना होगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा ये बताओ फ्रिक्शन कैसा वर्क करेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि बॉडी आगे चल रही है। कितना वर्क किया होगा? मान लो ए के बाद में ये कितना चला? ए के बाद में मान लो डिस्टेंस डी चला। कितना डिस्टेंस चला? डी। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव कितना हो जाएगा? माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस डी। अच्छा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? फाइनली डी डिस्टेंस चल के रुक क्या होगा ना भाई? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का होल स्क्वायर। फाइनल कितना है? जीरो। तो दिस इज माइनस, ये कितना है? म्यू एम जी इनटू डी, दिस इज माइनस हाफ एम वी आई का होल स्क्वायर। एम ने एम को मार दिया, माइनस ने माइनस को मारा, म्यू कितना है? 0.5 जी इनटू डी, दिस इज हाफ। v का स्क्वायर कितना था? 420 का होल स्क्वायर 400। कितना आंसर आ रहा है? डी की वैल्यू
की वैल्यू आ रही 40 मीटर का पक्का। ओके, एक और ऐसे ही क्वेश्चन। अरे समझ पा रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या मुझे ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के हो सकता है? काइनेटिक्स भी लगा सकता था, काइनेटिक्स भी लगा सकता है, है ना, एक्सेलरेशन निकाल के। बट इसमें क्या है ना, काम बहुत इजी हो जाता है, मास वास सब कट जाता है। जब बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं ना, तो आसान नहीं होता न्यूटन लॉ लगाना या एक्सेलरेशन निकालना, तो ये ज्यादा इजी मेथड है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। ब्लॉक ऑफ मास फोर के जी ब्लॉक ऑफ मास फोर के जी हैज एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 meters per second ठीक है। इफ इट एंटर्स अ रफ surface and is stopped in the first 10 meters and is stopped in the first 10 meters of its path, then find the value of friction coefficient mu. Then find the value of friction coefficient mu. ठीक है, सबका आया? कैसे सॉल्व किया? देखो t डिस्टेंस है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो मैं बोल दूं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। तो कितना काम किया होगा हमने? माइनस म्यू एम जी इंटू डी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल कितनी थी? हाफ एम वी इनिशियल का होल स्क्वायर, माइनस माइनस कर दिया, म्यू की वैल्यू निकाल ली थी, एम ने एम को भी मार दिया, जी की वैल्यू 10, डी की वैल्यू और ये कितना है हाफ, और ये वी कितना था 20 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए जरा, ये कितना हुआ? म्यू इंटू 200 इज इक्वल टू 400। तो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी है? 400/200 की वैल्यू आ रही है 2। यू की वैल्यू कितनी आ रही है? समझ आ रहा है ना पक्का? तो रियलिटी में मैंने केसेस जो बताए हैं उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
आपको बस थ्योरम याद रखना है, सारे फोर्सेस का वर्क डन का सम बराबर है किसके, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब उसके अंदर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा यू, ठीक है। सो अब ऐसा ही एक और सवाल करते हैं, अब देखते हैं कितने लोग इस चीज को समझ पाते हैं। बेटा दो ये यहां का पार्ट जिसने नहीं लिखा है लिख लो भाई, आंसर है 2 आ रहा है इसका। लिखो ये क्वेश्चन लिखो, अब सारे केसेस मिला के रैंडम प्रॉब्लम्स है, मिक्स प्रॉब्लम्स है, मिक्स प्रॉब्लम्स बोल सकता। देखो अ ब्लॉक ऑफ मास, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी having speed 10 meter per second, having speed 10 meter per second having speed 10 meter per second moves on a smooth surface moves on a smooth surface as shown. If it strikes the spring, then find the maximum compression of the spring. Then find the maximum compression of the spring. देखिए जरा ये सारा सरफेस कैसा है, स्मूथ है, और ये स्प्रिंग है, सॉरी ब्लॉक है, इसका इनिशियल स्पीड कितना है? अच्छा ये जब ट्रैवल कर रहा है इसकी स्पीड कम होगी क्या? नहीं, क्योंकि स्मूथ है। फिर क्या हुआ, जैसे ही इस पे लगा, अब इस पे एक फोर्स लगने लग जाएगा ब्लॉक पे, कौन सा, स्प्रिंग का फोर्स। अब ये तो उसको आगे ले जाएगा ब्लॉक, क्योंकि इसमें मोमेंटम है, इसमें स्पीड है, बट स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, अपोजिट, तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और इसका क्या होता जाएगा, कंप्रेशन। एक टाइम आएगा जब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो, तब ये और इसको धक्का देगा क्या, नहीं। जैसे अब मैं हूं, अब यहां पे कुछ भी रखा हो, अगर मैं ऐसे आगे मूव कर रहा हूं तो मैं इसको तो धक्का दे ही रहा हूं, जैसे कुछ भी स्पॉन्ज हो गया। अब ये है सिंपल सी बात है, देखो अगर मेरा हाथ, स्पीड है मेरे हाथ के पास, तो ये देखो कपड़े को तो कंप्रेस कर ही रहा हूं, अब मेरा हाथ आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो क्या ये मैक्सिमम कंप्रेशन है इसका, हाँ। बट अगर मेरे हाथ में स्पीड हो तो ये इसको कंप्रेस करेगा ही करेगा, बट जैसे ही मेरे हाथ की स्पीड कम हुई, जीरो हुई, अभी कंप्रेशन करना बंद कर दी, तो वही है इसका मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ये बताना है। तो इसको मान लो इनिशियल कंडीशन, और फिर मैक्सिमम क्या होगा, ये ब्लॉक है और ये इसका मैक्स कंप्रेशन, यहां से एक्स कंप्रेशन हो गया, मास कितना है 2 kg, ठीक है। तो यहां पे स्पीड कितना होगा ब्लॉक का, जीरो, इनिशियल कितना था 10, फाइनल कितना है, कंप्रेशन सारा का सारा इसमें स्टोर हो गया किसमें, बैठना है, तबीयत खराब है, नेक्स्ट लेक्चर नहीं है, आ जाओ। नहीं मैं लेक्चर एक्सटेंड कर, जिंदन वाला आएगा, दर्शन भी आएगा, कॉस्ट तो
डिले नहीं है तो एकदम से टेंशन। सो कहा था अब ये क्या है इसका मैक्सिमम कंप्रेशन कौन सा फोर्स है कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव स्प्रिंग कैसा है कंजर्वेटिव तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये लगा हुआ हमेशा के फाइनल माइनस के इनिशियल अब इसके अंदर क्या है माइनस डेल्टा यू ना तो इसको क्या बोल सकता हूं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के फाइनल माइनस के इनिशियल इसका काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा जब ये यहां पे तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो ठीक है ये यहां तक क्लियर है क्या अरे एकदम सिंपल सा है यार सुनो सुनो क्या मैं बोल दूं के बेटा ये यूएफ को उधर ले जाता और के आई को इधर ले आता तो के आई प्लस यू आई is equals to k final plus u final. What is initial kinetic energy? Initial kinetic energy कितनी है? Half m into 10 का square. Potential energy initial half k x. X कितना compress है? अरे पहले compression ही नहीं है. फिर next कितना होगा? Half m 0 का और कंप्रेशन कितना हो गया हाफ के अपने क्या निकालना है एक्स निकाल फर्स्ट टाइम थोड़ा सा दिक्कत आएगा बट बहुत इजी पार्ट है ये तो आ रहे क्या क्या बोर्ड छोटा है तो पुराना प्रॉब्लम भी आ गया पक्का हो गया ना ओके अब देखो इसमें ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको इमेजिनेशन है थोड़ा सा भी क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन जो है आपको आप रट नहीं सकते इसमें कि यार क्वेश्चंस को मैं रट लूं क्वेश्चंस को रटना नहीं है प्रॉब्लम को फील करना है समझना है कि यार ऐसा कंडीशन होता है तो मैं ऐसे लगा सकता हूं क्या ठीक है सो कौन आवाज कर रहा वो कर रहे क्या नहीं अब ये जरा देख यहां पे आपको ऐसा दिया हुआ है कि ये पहाड़ टाइप का है ब्लॉक है मास एम है और यहां पे इसका स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड है मास 2 केजी है और अब ये यहां से जाके ये इधर पहुंचता है और फिर जाके यहां पे पहुंचता है ये जो हाइट है दिस इज 20 मीटर्स और ये जो हाइट है ये है 10 मीटर ठीक है दिस इज ए बी सी सरफेस जो है सारा का सारा क्या है स्मूथ है ठीक है फाइंड वेलोसिटी एट बी
एंड वेलोसिटी एट सी। देखो ऐसा है, अब पुश के पहले कितना है, सॉरी इसके साथ स्पीड कितना है 20, नीचे जा रहा है, अब ये नीचे गया तब इसकी स्पीड कितनी है, और जब वो वापस इससे ऊपर जा रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस कितना है, कितने का है 20 मीटर्स इनके बीच में, ठीक है। जस्ट सॉल्व, ये पॉइंट इनिशियल कौन सा, ग्रेविटी फोर्स है क्या, और भी है, और कौन सा है, अरे बहुत छोटा ब्लॉक है, ब्लॉक बहुत छोटा है, प्रॉब्लम्स में ब्लॉक का लेंथ अपने को नहीं कंसीडर करना, एज्यूम द ब्लॉक टू बी स्मॉल, लिख लो ऊपर क्वेश्चन में, एज्यूम द ब्लॉक टू बी स्मॉल, अगर कंजर्वेटिव फोर्स लगे तो उसको बाजू साइड ले लो, राइट हैंड साइड, और वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस माइनस डेल्टा ई, और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैकेनिकल एनर्जीज कंजर्व करा दो, मैकेनिकल एनर्जीज कंजर्व करा दो, मास जो है दैट इज 2 kg, मैकेनिकल एनर्जीज कंजर्व करवा दो पॉइंट ए पे और बी पे, राघव पापा भी ठीक हो गए, पॉइंट सी पे और इस पे, अरे अपने को सिर्फ ए और बी के बीच का डिफरेंस पता है, अच्छा ग्राउंड से नहीं मानना है, जहां से भी मान रहा हूं डिफरेंस सेम होना चाहिए, सी पे 20√2 नहीं बी पे, बी पे मानना है, सुनो
ए और बी में पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पक्के से डिफाइन नहीं है, आपको रेफरेंस चाहिए, तो आप किसी एक को रेफरेंस मान लो। किसको रेफरेंस माने, ए को कि बी को? किसको? बी को रेफरेंस माने। तो यहां पर रेफरेंस मान के इसको कितना मान ले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर रेफरेंस मान के इसको कर दिया मैंने जीरो। तो यह हाइट कितना है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा यहां पे, एम जी एच हो जाएगा। इसको कितना माना, जीरो। लेट अस अज्यूम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी एज जीरो। कितना माना, जीरो। तो बी ए पे कितना हो जाएगा, ए पे हो जाएगा एम जी एच, ये एच कितना 20। तो बी पे कितना माना पोटेंशियल एनर्जी एट बी, जीरो। हाफ एम वी ए का स्क्वायर, और यहां पे कितना हो गया, इनिशियली कितना था एम जी एच, ठीक है। तो मास तो कट गया, हर जगह से मास कट गया। बी पे स्पीड निकालना है, हाफ ए पे कितना है 20 का होल स्क्वायर, जी कितना है 10, हाइट कितना है, हाइट कितना है 20। तो ये देखो कितना हुआ, 400 by 2 200 plus 200, टोटल कितना हो गया 400। दिस इज हाफ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 400 into, तो कितना आया, वेलोसिटी एट बी इज 20। लिखो, अब बी पे आ गया तो जरा सी का बताओ, 10 रोड। कोई चीज पहाड़ी से लुढ़कती है तो उसके अंदर स्पीड बढ़ जाती है क्या, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है जितना नीचे आएगी वो। अरे बस आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वेट करनी है दो पॉइंट्स पे, ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, दिक्कत आएगी, काफी टफ मानते हैं बच्चे इसको। उधर रिकॉर्डिंग भी हो रही है, वापस देख रहे हो, पुरानी भी इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। अच्छा 26 जनवरी को क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे, तो रिपब्लिक डे हो जाएगा पक्का। ये तो कंफ्यूजन है क्या, तो मेरे से पूछते थे इंडिपेंडेंस को 26 जनवरी बताता था। इंडिपेंडेंस डे कौन सा दिन है, रियलिटी में कौन सा डेट था एक्चुअल इंडिपेंडेंस का, 15 जनवरी। हाँ छब्बीस जनवरी एक्चुअल इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का। कैसे, सुनो जरा, बोला नहीं था, बात सुनो, हिस्ट्री देखो। 1929 में जैसे कांग्रेस होती है ना, उस समय कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ये वाली कांग्रेस नहीं है,
वो कांग्रेस अलग कांग्रेस थी, तो ये तो नाम एक ही यूज किया है। तो हर साल कांग्रेस का एक प्रेसिडेंट होता था और सेशन कराते थे लोग, तो ये वाला जो है उन्होंने पंजाब में करवाया। तो इस कांग्रेस सेशन का जैसे मीटिंग होती है, मीटिंग में एक चेयरपर्सन होता है, तो इस सेशन में कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो था वो थे पंडित नेहरू। ठीक है, तो उनके बापू ने बना दिया था उनको कि छोटा बच्चा है, गांधी जी को बोल के सिफारिश लगा के कि बच्चा है भाई बना दो इसको, तो इनको बना दिया। अब इन्होंने उस समय पे जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अनाउंस किया क्योंकि हम 26 जनवरी 1930 को हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस डे। तो फिर इन्होंने दिसंबर के महीने में सब कुछ अनाउंस किया और 26 जनवरी को तिरंगा लहराया। कहाँ पे ये मीटिंग थी? रवि रवि नदी पता है क्या? ताप्ती। चलो ठीक, तो वैसे ही अब सुनो, अब इंडिया ने मान रखा था कि फिर उसके बाद से कांग्रेस हमेशा कौन से डे को बनाती थी? 26 जनवरी को। अब सब कुछ फाइनल भी हो गया था, फिर जब माउंटबेटन और सब इंडिया को आजाद करने हैं तब इन्होंने बोला कि 26 जनवरी 1948 में अपन अपनी आजादी वाला दिन बनाएंगे। सबको डिसाइडेड था कि अपने को 26 जनवरी 1948 को आजादी मिल जाएगी, बट उसी समय में क्या है ना, माउंटबेटन था, उन्होंने बोला कि नहीं यार इसको थोड़ा सा प्रीपोन कर लेते हैं, बहुत लंबा समय है, हम गोरे लोग सब हमारी स्किन जल रही है, ठीक है बहुत ज्यादा धूप आती है। तो फिर उन्होंने उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा प्रीपोन करा दिया। अब क्यों कराया प्रीपोन? उन्होंने 15 अगस्त को करा दिया क्या, 15 अगस्त को हम लोग आजाद करके निकल जाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने प्रीपोन इसके वजह करा है क्योंकि 15 अगस्त माउंटबेटन का फेवरेट नंबर था। माउंटबेटन ने वर्ल्ड वॉर टू में उन्होंने जापान की आर्मी को बर्मा में सरेंडर करवाया था, तो उस समय पे वही थे, तो 15 अगस्त सही दिन है, तो 15 अगस्त को ही अपन आजादी दे देंगे इनको। अब बोलेंगे यार 3-4 महीने और रुक जाते, अगस्त तो आएगी है, फिर भी नेहरू की बात नहीं मानी कि अपन करवा देंगे। बोले यार तो 15 अगस्त को आजादी बनानी पड़ेगी, अपन इनके साथ से ये बना देते। तो उन्होंने क्या किया कि यार चलो ऐसा करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, अब बोले कि यार जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तो उस वाले दिन को अपन क्या बोल देंगे, उसका डेट अपन 26 जनवरी करवा देंगे। तो बट हुआ क्या, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, यार ऑफिस फंस गए अब तो। तो 26 दिसंबर को, सॉरी नवंबर है दिसंबर था नवंबर, अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, लेट्स 2 महीने और रह गए। तो ऐसा करते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सब कुछ रेडी हो गया, बोलेंगे इसको अप्लाई अपन 26 से, ये रेडी हो गया है सब कुछ, खाना वाना सब रेडी हो गया है, इसको परोसने का काम कब करेंगे? 2 महीने बाद, ताकि ये डेट को अपन प्रिजर्व कर सके। क्या पूछता ठीक है समझ में आएगा। अभी देखो माउंटबेटन ने तारीख चेंज कर दी। अच्छा पाकिस्तान कब बना था? तो क्या एक दिन पहले उनको आजादी मिली? 11:30 बजे उनको मिली। एक्चुअल में क्या है कि जब रात का समय आया, ठीक है 14-15 तारीख आ रही, तो
जो ऑफिशियल बंटवारा सब कुछ हो गया, कॉपियां पेन पेन को भी आधा करके बांट दिया, कॉपियां आधी बीच में फाड़ दी, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, देखो आप सेब की कटिंग करते, सेबों का लिया तो एक पहले कट के गिरेगा, या आप बोलो ना दोनों इक्वली कट गए, सेबो काट दे पार्टीशन करना है, तो जिस समय पे आपने पार्टीशन एप्लीकेबल होगा उसी डेट से आपके इंडिपेंडेंस एप्लीकेबल होगी। तो ये मिडनाइट को ही अपन दोनों को साथ में आधा दिन मिले, जैसे सेब को काटोगे तो दोनों इक्वली कटेंगे ना भाई, दोनों ही बोलोगे हाँ दोनों पार्ट्स कट गए, तो सेम तारीख को ही इनिशियली कुछ सालों में पाकिस्तान और इंडिया 15 अगस्त को ही बनाते थे। फिर बाद में क्या लगा कि उनको लगा कि यार अपन लोग थोड़ा सा 2-3 साल बाद में वो लगा कि अपन थोड़ा सा इसको एडवांस कर लेते हैं, कि अपने को लगे कि फिर ऐसे कि मैं उनको 11:30 बजे हो गई, नहीं उनको 11:49 पे दिया, हमने 12:01 पे दिया, ऐसा नहीं है, दोनों टाइम इक्वली डिवाइड हुए। अब उनकी मर्जी, जैसे अपने 26 जनवरी को बचा के रखना, तो उनको लगा कि यार अपन बड़े हो जाते, अपन एक साल एक दिन बड़े हो जाते हैं, तो इस वजह से उन्होंने एक दिन पहले किया। बट स्टार्टिंग के सालों में सेम ही टीम बनाते, आधा घंटा पीछे चलते, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वो तो टाइम डिफरेंस है, इंडिया का टाइम सेम, पता है क्या आपको, इंडिया जितना भी इतना बड़ा देश है ना, इसके अंदर अगर आप अरुणाचल प्रदेश में जाओगे सुबह सुबह 4 बजे वहां सूरज उग जाता है, 4 बजे उगता नहीं है एक्चुअली, उनका टाइमिंग अपन ने इंडिया के साथ मैच कर रखा, पूरे इंडिया के साथ, तो अपना जो इतना लॉन्गिट्यूड है जो एक्सपेंशन है तो सूरज अलग अलग टाइम पे उगता है, ठीक है, तो पूरे देश में अंधेरा ही है, बट वहाँ पहले सूरज आ जाता है। हाँ टाइम फ्रेम डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो इंग्लैंड वालों ने जो टाइम फ्रेम बना रखा था वो 15 अगस्त में ही बना रखा ऑफिशियली, उस दिन क्या हो गया था 15 अगस्त पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, ठीक है, समझ में आएगा, 11:30 और 12 का नहीं, हाँ ये बात सही है कि टाइमिंग में थोड़ा बहुत अंतर जरूर हो, ठीक है। यूएस में कितने टाइम है पता है क्या, 4 की 5, 5:30 नहीं टाइम जोन्स, 5 है ठीक, 6 है सर्च कर। चलो ये तो हो गया, थोड़ी छोटी सी कहानी बाद में कभी और सुनेंगे, ओके ओके। अब नेक्स्ट सेगमेंट सुनो, इधर ये हमने डिस्कस किया जब सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा हो, दूसरा वाला प्रॉब्लम आ गया था कि सबको कितना है 10√6, कितना है 10√6, कितना नहीं आया, नहीं आया, चलो एक बार देख लो, एक लास्ट बता देता हूं, ये B है ये C है, यहां पे स्पीड VC होगा, यहां पे स्पीड कितना होगा VB, इन दोनों के बीच में हाइट कितना है, हाइट 10 मीटर्स, देखो हाइट कितना है यहां पे 10 मीटर्स, ये कितना है VB, VB की वैल्यू कितना आई थी 20√2, तो यहां पे बोलता हूं काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट B, हाफ एम वीबी का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितनी मानी 0, ये कितना होगा हाफ एम वीसी का स्क्वायर, ये कितना होगा एम जी एच हो गया, मास से मास को मार दिया, तो यहां पे वीबी कितना है 20√2 का होल स्क्वायर बाय 2, दिस इज हाफ बीसी का स्क्वायर प्लस जी, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है 10 है, तो 10 × 10 जन देखो कितना हो गया 400 प्लस हाफ सी स्क्वायर प्लस 100, इसको इधर कर दिया तो कितना है 300 हाफ बीसी स्क्वायर, बीसी कितना है 600, BC की वैल्यू कितनी आएगी 10√6, छापो दे
जल्दी छापो इसको, छाप लिया। इसको अब मैं ना प्रॉब्लम एक और देता आपको, ये छापो सबका आ गया 10.6, जल्दी छापो। मनन बात कर रहा क्या? वो अलग नहीं, तुम्हें कोई डाउट है? अर्जुन को, अर्जुन तन्मय किधर है? घर पे दोस्त हो ना उसका? हाँ बुखार था सुबह, तो बच्चों के एसआरएम के एग्जाम हो रहे हैं। वाह भैया 3000 रैंक आई भाई अपने बच्चे की एसआरएम। चलो नेक्स्ट लिखो, अब लॉ ऑफ मास, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज एट अ हाइट ऑफ, इज एट अ हाइट ऑफ 10 meters, इज एट अ हाइट ऑफ 10 meters, from the ground, if it is drop if it is drop from the top point, if it is drop from the top point, then find the maximum compression, then find the maximum compression of the spring. कितना मास था? 2 kg, हाइट कितना है? अब सुनो, जैसे ही नीचे आएगा क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी। अरे बढ़ेगी ना भाई, नीचे आ रहा बढ़ेगा, फ्रिक्शन से स्पीड कम होगी क्या? नहीं होगी, सारी के सारे अभी यहाँ पे आ गई जो भी स्पीड थी, अब फिर ये इससे लगेगा। अब जैसे ही लगेगा तो क्या होगा, पहले पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी से क्या करेगा, ये स्प्रिंग को स्ट्राइक करेगा और स्प्रिंग में क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करा दे। निकालो, बहुत अच्छा सवाल है। सिद्धार्थ नीचा मुखरा आ जाओ, एक बेंच आगे आ जाओ, इसके आगे आ जाओ। अरे कोई और फोर्स लग रहा है इसमें, सिर्फ
कंजर्वेटिव लग रहे हैं, कौन कौन से? ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स लग रहे हैं सर, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटी लग रहे हैं। ऐसे करो, ये पॉइंट ए मान लो, यहां पे पहुंचा बी मान लो, मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है तो इसने कंप्रेस कर दिया होगा उसको, तो के की वैल्यू 200 न्यूटन मीटर। ये पॉइंट सी मान लो, तो ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग। तो क्या मैं बोल दूं टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी? संकल्प इधर देखो, इधर टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, कितनी होगी? ये काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे जीरो डिफाइन करनी पड़ेगी, कहां करूं? बी पे कर दोगे इस लेवल पे? इस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान लूं? जीरो। तो बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। काइनेटिक एनर्जी ए पे कितनी है? जीरो। तो ये कितना है? एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम बी बी का होल स्क्वायर। जी 10, हाइट 10, दिस इज हाफ। बी बी की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 200। अब सुनो, ये 200 की स्पीड से इसको स्ट्राइक करेगा तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी। अरे स्प्रिंग का फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव। तो उसके थ्रू जो भी वर्क डन होगा या अगेंस्ट होगा वो सब का किसमें स्टोर होगा? पोटेंशियल। फाइनली ये प्रॉब्लम कराते रहोगे, एक पहले प्रॉब्लम कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, प्रॉब्लम कराए थे ना मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? हाँ क्या क्या? हाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बाद हाँ सेम ही है, सेम ही है। ए और सी का भी तो सेम ही होगा। ये आया? आप जरा देखो, मैं बोल दूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। व्हाई? अरे क्योंकि यहां पे ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी कितना मान रखा है? जीरो। तो ये बोल रहे हैं यार देखो, एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी। डी पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और सी पे क्या होगा? सी पे काइनेटिक एनर्जी एट सी जीरो एंड देयर इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी एट सी। और ये क्या है? दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट डी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे जीरो और यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है सी पे किस पे होगी? स्प्रिंग के अंदर। वही बराबर है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। तो सी पे कितना होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, ये बराबर है हाफ एम बी बी का होल स्क्वायर। लिख लो, के की वैल्यू भी दे रखी है आपको। कितना आंसर आया एक्स का? एक्स इज अंडर रूट टू। एक्स इज अंडर रूट टू। ये सबसे टफ पार्ट है पूरे चैप्टर में, यही है बस सबसे टफ पार्ट, यही था। समझ में आया? ठीक, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।